दी प्रिंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। छब्बीस जनवरी की घटना के बाद अगर आप गाजीपुर बॉर्डर पे जाएं तो आपको लगेगा कि किस तरह से एक जंग लड़ी जा रही है, एक जिस तरह से बॉर्डर पे अगर किसी दुश्मन देश के साथ लड़ाई लड़ी जाती है तो उस तरह की जंग है। कटीले तार बिछे हुए हैं, सड़कों पर गड्ढे खोद दिए गए हैं और जो टॉयलेट, पानी, वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें लगभग सस्पेंड कर दी गई है। तो आखिर क्या सरकार को लगता है कि इन तरीकों से वो किसान आंदोलन से निपट लेगी और किसानों को जो वाटर की सप्लाई है, जो राशन पानी की सप्लाई है, वो सब में अड़चन डालकर उनकी सप्लाई को कट करके, इंटरनेट सस्पेंड करके क्या सरकार इस किसान आंदोलन से निपट सकती है या इसके ज़रिए वो बातचीत की टेबल पर पहुँच सकती है? ये सारे जो उपाय इस समय सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या सरकार के लिए ये और मुसीबत बन सकते हैं? क्या इससे किसानों की जो भावना है वो और भड़क सकती है? क्योंकि जिंद में आज राकेश टिकैत की महापंचायत है और बागपत से लेकर सोनीपत, जो पहले मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी, वो हरियाणा के अलग अलग जिलों में हो रही है, यूपी, वेस्टर्न यूपी के अलग अलग जिलों में हो रही है और पंजाब तो पहले से ही एक तरह से झुलस रहा है इस किसान आंदोलन से। तो सवाल ये है कि क्या सरकार की स्ट्रैटजी गलत है या सरकार को लगता है कि इस मस्कुलर स्ट्रैटजी के जरिए वो किसानों की जो एकता है, जो यूनिटी है, जो आंदोलन है, उसको उसके तरीके से निपटकर वो इस समस्या का समाधान निकाल सकती है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात किसान आंदोलन की। शुरुआत करते हैं 1988 से, जब राकेश टिकैत के पिता यानी कि महेंद्र सिंह टिकैत ने बोट क्लब पर ऐतिहासिक धरना दिया था, जिस तरह से आज राकेश टिकैत उनके बेटे एक तरह से गाजीपुर बॉर्डर पे डटे हैं और अलग अलग इलाकों में सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे पंजाब के किसान डटे हैं। उस समय भी जो राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने उन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल किया था जो आज सरकार कर रही है। उस दौरान भी वाटर की सप्लाई कम कर दी गई थी, कट कर दी गई थी, जो आसपास राशन पानी का जो इंतज़ाम था उसको एक तरह से अफेक्ट करने की कोशिश की गई थी ताकि उन तक राशन पानी ना पहुंच सके। उनके जो लाउड स्पीकर थे, जो बिजली थी उस दौरान, चूँकि उस दौरान में बहुत ज़्यादा टीवी चैनल नहीं हुआ करते थे, सोशल मीडिया का पदार्पण नहीं हुआ था, लेकिन सरकार ने उन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल किया जो इस समय सरकार गाजीपुर बॉर्डर पे कर रही है। कटीले तार, जगह जगह गड्ढे, किस तरह से बिजली की सप्लाई कट करना, पानी की सप्लाई कट करना, या फिर जो टॉयलेटरी हैं, जो टॉयलेट हैं उनको बंद कर देना, उसमें ताले लगा देना। तो सरकार को लगता है जो किसान अलग अलग हिस्सों से, वेस्टर्न यूपी से, हरियाणा से वहाँ पर मोबिलाइज कर सकते हैं, उनकी रफ्तार को कैसे कम किया जाए, उनकी जो भीड़ है उसको कैसे कम किया जाए, और एक बार जब समर्थन कम होना शुरू हो जाएगा तो आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। तो सरकार एक तरह से, सरकार को लगता है लॉ एंड ऑर्डर के जरिए, मस्कुलर पॉलिसी के जरिए इस किसान आंदोलन की जो स्वेलिंग है, जो जन समर्थन है, उसको वो कट कर सकती है संसद से लेकर सड़क तक। लेकिन इससे पहले एक 1988 का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो उस समय बीजेपी के जो दो सांसद थे, एक ए के पटेल थे जो मेहसाना गुजरात से थे और जंगा रेड्डी, उन्होंने उस आंदोलन के समय जो बोट क्लब की जो रैली हुई थी और बोट क्लब का जो धरना प्रदर्शन हुआ था, उस समय एक बात कही थी। वो शायद इस समय बीजेपी सरकार के लिए वो जो लाइन थी उनकी वो मुफीद है। उन्होंने कहा था कि अगर देश में किसान एजिटेटेड है, अगर किसान के मन में सरकार के प्रति नाराज़गी है, उनके मन में कोई पीड़ा है, तो इसका मतलब कि देश भी आंदोलित है। ये बात सरकार के लिए आज भी लागू होती है कि अगर किसी भी राज्य का किसान सरकार के किसी फैसले से, सरकार के किसी बिल से नाराज है या उसको लगता है कि उसकी बात को तवज्जो नहीं मिल रहा, उनको रिड्रेसल नहीं मिल रहा, उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा, तो कहीं ना कहीं एक एजिटेटेड नेशन के रूप में देश उभर सकता है, जो कि अमरिंदर सिंह, जो कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें उस बात की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि पंजाब किस तरह से एक बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान की सरहदें लगती है, और अगर एजिटेटेड किसान को भड़काने का काम पाकिस्तान की तरफ से हुआ
तो कहीं हम खालिस्तान की तरफ और ख़ास करके जो भिंडरांवाला जो पूरा एपिसोड था, किस तरह से ब्लू स्टार हुआ, उसकी चपेट में हम जा सकते हैं। तो यानी कि सरकार को इन सब बातों पर भी ध्यान रखना होगा। लेकिन किसान आंदोलन की जो आँच है वो संसद भी आज पहुँची, और संसद में जब गुलाम नबी आज़ाद बोल रहे थे, गुलाम नबी आज़ाद ने एक तरह से काफ़ी दिनों के बाद एक वैसा भाषण दिया जिसमें उन्होंने आज के सरकार की और जिस तरह से किसान आंदोलन से सरकार निपट रही है, हैंडल कर रही है, उसकी तुलना गुलाम नबी आज़ाद ने अंग्रेज़ों से की। और उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह से भगत सिंह, यानी कि जो एक बड़े क्रांतिकारी नेता थे, भगत सिंह के भाई ने किस तरह से 1907 में किसानों की मांग को लेकर आंदोलन किया था, और बाद में वो भगत सिंह से लेकर महात्मा गांधी तक पहुँचे, और किस तरह से सत्याग्रह आंदोलन और किस तरह से चंपारण का आंदोलन हुआ था। और आज़ाद का ये भी कहना था कि उस समय सरकार ने, यानी कि जो अंग्रेजी हुकूमत थी, जो अंग्रेजों की सरकार थी, उन्होंने भी महात्मा गांधी के दबाव में आकर और आंदोलन के दबाव में आकर बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया था। यानी कि उनका ये कहना था कि अंग्रेजों की सरकार भी हिंदुस्तान की आज की जो सरकार है उससे बेहतर थी। उन्होंने बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया, जबकि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा गया है। तो खैर, ये तो संसद की अपनी राजनीति थी, किस तरह से विपक्षी दल हैं इस समय सरकार को घेरना चाहते हैं, और उनको लगता है कि मोदी सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका मिला है, तो इसलिए इस मौके को गवाया ना जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पंजाब से लेकर यूपी और हरियाणा में किसानों के प्रति एक जन समर्थन उमड़ रहा है, जिस तरह से वहाँ पे पंचायतें एक तरह से सरकारों का विरोध कर रही है, नेताओं का विरोध कर रही है, और ख़ास करके बीजेपी नेताओं का, और एक जन समर्थन किसानों के पक्ष में उभर रहा है, उससे सरकार की चिंता बढ़नी लाजमी है। और सरकार को बातचीत की टेबल पर, यानी कि किसानों को बातचीत के लिए बुलाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि सरकार अगर दूसरे किसी हथकंडे का इस्तेमाल करती है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर और मस्कुलर पॉलिसी का इस्तेमाल करती है, तो उससे सरकार कहीं ना कहीं न केवल पंजाब के जो सिख किसान हैं उनको और एजिटेट करेगी, वहाँ पे तो जो बीजेपी अपनी समर्थन खो रही है वो तो निश्चित रूप से सबको दिख रहा है, लेकिन वेस्टर्न यूपी और ख़ास करके हरियाणा, जहाँ पे बीजेपी की सरकारें हैं, चूँकि पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं है, इन दोनों जगहों पर एक तरह से बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में मुसीबत बढ़ सकती है। तो इसलिए बेहतर रास्ता ये है कि सरकार किसानों को इंगेज करे, और उस एंगेजमेंट की जो पहली शर्त है कि सरकार उनके प्रति एक मानवीय दृष्टिकोण के साथ अपनाते हुए उन्हें सारी सहूलियतें, यानी कि धरना प्रदर्शन और विरोध करने के लिए वो सारी सहूलियतें प्रदान करें जो किसी भी एक डेमोक्रेसी में किसी भी आंदोलनकारी या किसी भी डिसेंटर को प्रोवाइड किए जाते हैं, और उसके बाद उन मुकदमों को जो सही में जो लोग 26 जनवरी में संलिप्त नहीं थे उनके खिलाफ उन मुकदमों को हटाकर सरकार को बातचीत की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, तभी शायद इस समस्या का समाधान निकल सकता है। बाकी हथकंडे हो सकता है कि बहुत प्रभावी नहीं हों। शंकर रेडिमेड द प्रिंट, लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने कमेंट्स अपने रिएक्शन हमें लगातार भेजते रहें।